हेलो सेकंड क्लास, आज आपकी जीके की क्लास है जिसमें आपका लेसन का नाम है माय फेवरेट स्टोरीज, मतलब मेरी पसंदीदा कहानियाँ। हम कहानी पढ़ते हैं ना, तो उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इफ़ यू हेयर बीन्स टॉक, अगर आप ये सुनो कि बीन्स बातें कर सकती हैं, तो किसका यू थिंक ऑफ जैक, किसका ख्याल आपके मन में आता है? जैक का, क्योंकि जैक भी एक ऐसी बीन्स थी जो बातें कर सकती थी। हो सकता है आप लोगों ने, बहुत से बच्चों ने वो मूवी देखी हो या नहीं देखी हो, उसमें क्या होता है, छोटी छोटी बीन्स होती है, मधुमक्खियाँ होती है, जो आपस में बातें कर सकती है इंसानों की तरह। तो यहाँ पे ये बताया कि जैसे हम ये बोलते हैं कि बीन्स टॉक, तो हमें किसका ख्याल आता है? जैक का। इन द सेम वे फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ द क्लूज, तो यहाँ पे आपको कुछ नाम दे रखे हैं, उसके हिसाब से आपको उसकी स्टोरी के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको नाम दे रखा है, उसके हिसाब से आपको पता करना है कि कौन सी स्टोरी की बात हो रही है। एल्फ, एल्फ किसको कहते हैं? हम छोटे छोटे जो बौने होते हैं उन्हें कहते हैं। तो ये कौन सी स्टोरी में थे? ये शू मेकर में थे। तो शू मेकर की स्पेलिंग क्या है? SHOEMAKER, शू मेकर। जिसमें ये था ना कि एक नाई होता है जिसको जूते बनाने का काम मिलता है, और रात को जो छोटे छोटे बौने होते हैं वो आते हैं और रात को उसके जूते बना के चले जाते हैं। तो ये वाली स्टोरी थी। अगला है आपका थ्री बियर्स, यहाँ पे तीन बियर्स की कहानी है। तो इस कहानी का नाम क्या है? गोल्डी लॉक्स, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग है GOLDILOCKS। अगला है वुडन पपेट, मतलब एक लकड़ी का पपेट। उसमें वो किसकी कहानी थी? पिनेचियो, ठीक है, PINOCCHIO। ये इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको लिखने में भी आसानी हो। अगला है द बॉय हु वुड नॉट ग्रो, ऐसा बच्चा जो बड़ा नहीं हुआ, बड़ा नहीं होता था। तो वो किसकी कहानी है? पीटर पैन, PETER, पीटर, PAN, पेन। अगला है बियर तो अगला जो था वो है हमारा वुडन पपेट, मतलब लकड़ी का गुड्डा। तो उसका नाम है पिनेचियो। तो इसकी स्पेलिंग है PINOCCHIO। यहाँ पे कैरेक्टर दे रखे हैं और उसके हिसाब से आपको स्टोरी का नाम लिखना है, ठीक है। अगला है द बॉय हु वुड नॉट ग्रो, तो वो है पीटर पैन, PETER PAN, पीटर पैन, ठीक है। अगला है बियर, तो बियर किस स्टोरी का है? विनी द पू, और हॉगवर्ड स्कूल है हैरी पॉटर। तो यहाँ पे आपको कुछ कैरेक्टर दे रखे थे, कुछ हिंट दे रखे थे, जिसके हिसाब से आपने स्टोरी का नाम लिखा है। अब हम इसके आगे करेंगे। तो सेकंड क्लास, अब जो हम करने वाले हैं उस लेसन का नाम है डिफरेंट बुक्स। डिफरेंट बुक्स, सम डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स आर गिवन बिलो दैट यू सी अराउंड योर सेल्फ। यहाँ पे कुछ अलग अलग तरह की किताबें आपको दे रखी है जो आप अपने आसपास देखते हो बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या करना है कि आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर नेम्स, टेकिंग हेल्प फ्रॉम द हेल्प लिस्ट। यहाँ पे आपको पढ़ना है उसके बारे में, उसका हिंट दे रखा है आपको, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस बुक के बारे में बात हो रही है। तो पहला है अ बुक इन विच योर क्लास टीचर मार्क्स योर प्रेजेंस और एब्सेंस एवरी डे, वो बुक जिसमें रोज़ आपकी टीचर आपकी अटेंडेंस लगाती है कि आप आए हो या नहीं आए हो, प्रेजेंस और एब्सेंस लगाती है। तो वो कौन सी बुक होती है? वो होती है अटेंडेंस रजिस्टर। क्या होता है आपका? अटेंडेंस रजिस्टर, आप सबने देखा होगा अपने स्कूल्स में, जिसमें आपकी अटेंडेंस लगाई जाती है। अगला है अ बुक विच कंटेंट्स आर्टिकल एंड पिक्चर ऑफ थिंग्स दैट हैव हैपेंड रिसेंटली, ऐसी बुक जिसमें कुछ आर्टिकल्स या पिक्चर्स होती हैं जो हाल फिलहाल में जो चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड कोई आर्टिकल या कोई पिक्चर होती है, उन्हें क्या कहते हैं हम? मैगजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैगजीन। अब अगला है आपका अ बुक दैट टेल्स अस वेयर टू फाइंड डिफरेंट कंट्रीज एंड प्लेसेस, ऐसी बुक जिसमें अलग अलग कंट्रीज अलग अलग प्लेसेस के बारे में लिखा होता है, सब चीज़ें बता रखी होती हैं, वो क्या है? एटलस, ठीक है। अगला है आपका अ सेट ऑफ बुक्स विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी थिंग्स, ऐसी बुक जिससे हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया। क्या कहते हैं? इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं उससे हम। अगला है आपका अ बुक गिवन टू यू एवरी डे एवरी ईयर इन स्कूल इन विच यू टेक डाउन इंस्ट्रक्शन एंड होमवर्क, ऐसी बुक जो हमें स्कूल से हर साल मिलती है आप लोगों को, जिसमें आप अपना होमवर्क और अपना टाइम टेबल अपने डेली इंस्ट्रक्शन फिल करते हो, उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं डायरी, स्टूडेंट डायरी जो होती है, ठीक है। लास्ट है आपका अ बुक दैट गिव्स अस द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ऐसी बुक जिसमें हर वर्ड का मीनिंग लिखा होता है उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं डिक्शनरी।
अब यहाँ पे आपको दिखा रखा है, एक फैक्ट दिखा रखा है कि अच्छा है कि द डॉक्यूमेंट दैट ऑर्डर आ पेमेंट ऑफ मनी फ्रॉम अ बैंक अकाउंट। चेक क्या होता है? जिसके ज़रिए आप पैसे निकालते हो या जमा करते हो, ये आप उसे चेक कहते हैं। तो ये तो नहीं करना है, लेकिन बाकी सारा काम आपको अपनी कॉपी में करना है और PDF बना के सेंड करना है ताकि आपके मार्क्स लगाए जा सके। ओके बेटा।